हमारी खास चर्चा लगातार जारी है। हम आपको बता रहे हैं कि रेगुलेटर को लेकर, रियल एस्टेट रेगुलेटर को लेकर राज्यों की तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं जो आने चाहिए। हमारे साथ एक्सपर्ट का एक बड़ा पैनल यहाँ पर मौजूद है आपको बताने के लिए कि कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा अगर राज्य इस पूरे मामले में तत्परता दिखाते हैं तो कितना बड़ा फायदा कंज्यूमर को मिलने वाला है। हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ अंकुर धवन है, CBO हैं proptiger.com के। धवन साहब, आपका कमेंट क्या होगा? क्या आपको लगता है कि रियल एस्टेट को लेकर जो तमाम दिक्कतें आती हैं आम बायर्स को, अगर ये रेगुलेटर पूरी तरह से एग्जिस्टेंस में आ जाता है तो क्या एक बड़ा फायदा, एक बड़ा बूस्टर खास करके बायर्स को मिलने वाला है? देखिए, एक ऑनलाइन ब्रोकर होने के नाते एक सबसे बड़ा इशू जो हमने फेस किया है पिछले 4-5 साल में ऑपरेट करते हुए, कि हम जब सेल करने जाते हैं तो हम एक प्रॉमिस लेके आते हैं जो बिल्डर करता है और वही हम आगे अपने ग्राहकों को देते हैं। जब वो बिल्डर अपने प्रॉमिसेस को मीट नहीं करता तो ग्राहकों के लिए जो मुश्किलें होती हैं उनसे हम भी बड़े पीड़ित होते हैं। हमारे लिए भी ये दुख का एक मामला होता है कि एक ब्रायर है जो अपना घर का वेट कर रहा, नहीं मिल रहा। ये बिल जब मैंने पहली बार पढ़ा था मुझे बहुत अत्यंत प्रसन्नता हुई थी जान करके कि इस बिल में वो सारे क्लॉजेस डाल दिए गए हैं जो सारे हमें आज के टाइम में इश्यू मिलते हैं, चाहे वो कारपेट एरिया हो, चाहे वो एस्क्रो अकाउंट हो। मेरा मानना है एक बहुत पॉजिटिव बिल है, इसको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करना चाहिए। अगर एक साल की टाइमलाइन दी तो इससे पहले करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको लागू करना चाहिए। हमारे साथ ललित टेक चंदानी भी हैं, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं। चंदानी जी, मेरा आपसे काफी वैलिड एक क्वेश्चन होगा कि आप चूंकि प्रॉपर्टी मार्केट को क्लोजली ट्रैक करते हैं तो किस तरह की समस्या आप देख रहे हैं बायर्स के सामने? क्योंकि एक तो एक बड़ी समस्या है जो उन्हें वक्त पे फ्लैट नहीं मिलता, एक वैलिड है और ये सामने भी है, लेकिन इसके अलावा कई सारी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाती हैं और इस रेगुलेटर के आने के बाद वो तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपका कमेंट क्या होगा? देखिए, सबसे जो मेजर इम्पैक्ट रियल एस्टेट में आता है, रियल एस्टेट जो है दो फैक्टर से चलता है, एक डिमांड सप्लाई और एक सेंटीमेंट्स। सेंटीमेंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आज के टाइम में रियल एस्टेट पे। अगर हम बात करें सेंटीमेंट्स की तो पिछले 4-5 साल से सेंटीमेंट्स नेगेटिव होते जा रहे हैं और ऐसी अनाउंसमेंट्स आती हैं रियल एस्टेट बिल की, कोर्ट की जजमेंट्स आती हैं रियल एस्टेट बायर्स को फेवर करने में, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन के होते होते वो फिर नेगेटिविटी वापस डेवलप होना शुरू हो जाती है। अगर हम रियल एस्टेट बिल की बात करें कि जब इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, जब दोनों हाउसेज ने पास किया था, प्रेसिडेंट साहब ने पास किया था, उसके बाद काफी थोड़ा सा मार्केट, थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट आई थी मार्केट में, बट ग्रेजुअली क्योंकि इसके इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही थी, क्या होगा क्या नहीं होगा, बिल्डर्स को क्लैरिटी नहीं थी, बायर्स को नहीं थी, तो फिर से वो नेगेटिविटी मार्केट में आती है। ओके, ठीक है। लेकिन सुरेश जी, कुछ लोग ये ब्लेम कर रहे हैं कि बिल्डर और गवर्नमेंट के बीच में एक नेक्सस होता है स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और यही वजह है कि ये डिरेल हो रही है, जो राज्य सरकार को कदम उठाने चाहिए थे उसमें देरी हो रही है। क्या आप इससे एग्री करते हैं? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये तो एक जनरल फिनोमिना है, लोगों का आरोप लगाने की आदत है। लेकिन देरी तो हो रही है ना सर, देरी वाकई हो रही है और केंद्र सरकार ने जो 6 महीने का वक्त दिया था उस वक्त पर अभी तक ज्यादातर राज्यों ने इसको मीट नहीं किया है। आज 60 साल से ज्यादा हो गए देश को आजाद हुए, आज पहली बार ये एक्ट लागू हो रहा है, तो एक्ट कैसे लागू होगा, क्या क्या चीजें इसमें इम्प्लीमेंट होंगी, किस पे लागू होगा, किस पे नहीं लागू होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, पोजीशन का टाइम क्या रहेगा, ये सब अगर बगैर सोचे समझे चीज़ें लागू की गई तो रियल स्टेट बिजनेस खत्म हो जाएगा। जो एक ये माना जा रहा है कि इसके आने से फायदे ही फायदे होंगे, ऐसा नहीं है, इससे नुकसान भी बहुत होने वाले हैं, वो अभी लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या नुकसान है आप कह रहे हैं कि नुकसान होंगे? एक बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ जी, बड़ी क्या बात नुकसान होने की आशंका आप देख रहे हैं? नुकसान मैं आपको ये बताता हूँ कि आज जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उस पर अगर ये रियल स्टेट बिल लागू किया गया तो एक तो पहले ही रियल एस्टेट बिजनेस और बिल्डर मुसीबत में है, फाइनेंशियल क्राइसिस में है। अगर बायर को ये राइट मिलता है कि वो ब्याज समेत पैसे वापसी मांग सके तो हमें ये नहीं समझ आता कि बिल्डर उसको ब्याज समेत पैसे लौटाएगा कहाँ से, बिल्डर को कौन फंड करेगा जो बायर को वो पैसे लौटा दे। ठीक है, अभिषेक आपका कमेंट इसके ऊपर, जो बात यहाँ पर कही जा रही है कि इस बिल के नुकसान भी होंगे। जो बात आप कह रहे हैं कि नुकसान की आशंका है, अंकुर इस पर क्या कमेंट है आपका? देखिए, कुछ बात इसमें सच भी है। बिल्डर्स जो इतने साल से एक तरीके से ऑपरेट कर रहे थे, उनको जो पैसा मिलता था, जिस तरह से उसे डिप्लॉय कर रहे थे, कई बिल्डर्स ने वो पैसा कहीं नए लैंड खरीदने में लगा दिया, कुछ और बिजनेस में लगा दिया, तो आज के टाइम में फाइनेंशियल क्रंच में तो है,
जैसे ही रेल रूल आएगा उनको सबसे पहले पैसा जुगाड़ना पड़ेगा। आप भी कहीं ना कहीं इससे सहमति, मैं इनकी बात को ये कह रहा हूँ। मान लीजिए एक बैलेंस शीट पकड़ लीजिए, एक बिल्डर को पकड़ लीजिए जहाँ जिसने एक पैसा भी डाइवर्ट नहीं किया है, लेकिन आज उसके पास बिल्डिंग खड़ी करने को भी पैसा नहीं है। आज उसको अगर कोई एक्ट, कोई अदालत या कोई नियम ये बोलेगा कि जो बायर जिनसे आपने पैसा लेके बिल्डिंग बनाई है उनका पैसा भी ब्याज समेत लौटा दीजिए, ठीक है? सुधीर जी ये कुछ लीगल बातें यहाँ पर कही जा रही हैं, आपका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। ये ऐसे लग रहा है बिल्डर के हित से बात कर रहे हैं। देखिए, अगर मैंने किसी चीज के लिए पैसा दिया है और अगर वो चीज आप टाइम से नहीं दे सकते तो मेरा हक नहीं है क्या उस पे पैसे ब्याज से लेने का? अगर मैं बैंक में एफडी बनाता हूँ तो 9% तो बैंक भी मुझे एफडी रिटर्न देता है। कल को बैंक फाइनेंशियल क्रंच में चला जाएगा, कहेगा मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं अपने पैसे भूल जाऊं। गलत बात है, बिल्कुल ही गलत बात है। आपको कंज्यूमर के बिल्डर ने एफडी करने के लिए पैसा नहीं लिया है, आपका जो पैसा लिया है वो बिल्डिंग में लगाने के लिए लिया है और उसने बिल्डिंग में लगाया नहीं है ना। मैं उस बिल्डर की बात कर रहा हूँ जिसने डाइवर्जन नहीं किया, एक पैसे का भी डाइवर्जन नहीं किया। बिल्डर का नाम बताइए ना। सर, वादे जब किए जाएंगे कि आपको टाइम पर पोजीशन देंगे और अगर पोजीशन नहीं मिलेगा, फ्लैट नहीं मिलेगा, तो ये हमारा हक बनता है, बायर का ये हक बनता है कि वो पैसा मांगे अपना। बिल्कुल हक बनता है, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है जो 4 साल या 5 साल का टाइम लेता है, अगर उसमें 1-2-3 महीने की देरी है जो कि एक नॉर्मल देरी है, अगर आप अपना घर बनाएंगे तो भी 6-6 महीने डिले हो जाता है। 3 महीने की देरी पर तो सवाल ही नहीं खड़े होते सर, यहाँ पर 3-3 साल 6-6 साल की देरी होती है। रियल एस्टेट एक्ट में जो रेगुलेशन एक्ट है उसमें 1 दिन की देरी को भी देरी माना गया है। मैं वही एक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं रियलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। अभी मैं एक्ट की बात कर रहा हूँ, एक्ट में 1 दिन की देरी को भी देरी माना गया है। स्टेट अथॉरिटीज ऐसे केस में बिल्डर को पहले से प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए कि मुझे कब दे सकता हूँ। अगर उसे लगता है 3 महीने का डिले होने वाला है या कुछ सर लगता है तो उसे प्रॉपरली प्लान करना पड़ेगा, उस बफर को लेकर चलना पड़ेगा। आज के टाइम में ये प्लानिंग बिल्डर संघ से अच्छे से नहीं करते जिसके कारण वो सिचुएशन फंसे हुए हैं। आई थिंक बाहर निकलने का एक ही तरीका है। ललित टेक चंदानी, आपका रिएक्शन? नहीं, मैं इसमें ये कह रहा था कई बार ऐसा नहीं होता कि सिर्फ बिल्डर ही फॉल्ट पे है, कई बार स्टेट की कुछ ऐसी रूलिंग्स आ जाती हैं, कुछ ऑल ऑफ अ सडन ऐसे इंसिडेंट्स आ जाते हैं जैसे बर्ड सेंचुरी का इंसिडेंट आ गया, ऐसी कई चीजें आती हैं मार्केट में। हम नोएडा की जो जमीन अधिग्रहण मामला आया था, किसी को नहीं पता था अथॉरिटी से क्लियर जमीन तो कोई नहीं बेच सकता, अथॉरिटी की जमीन पे ही अगर आप चैलेंज कर रहे हो और ऐसे इश्यूज आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी गलत है। तो अगर आप स्टेट, अगर आप बिल्डर से कमिटमेंट मांग रहे हैं तो स्टेट को, सेंटर को, दोनों को कमिट होना पड़ेगा बिल्डर्स की तरफ। आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है? फंडिंग की प्रॉब्लम है। आप बोल रहे हैं कि हमारे को मकान बना के दे दो, स्टेट के पास मशीनरी नहीं है मकान बनाने की, तो प्राइवेट लोगों पर डिपेंड करता है। प्राइवेट लोगों को आप ना फंड दे रहे हैं, ना परमिशन दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, वो लोग बिल्डिंग बना लेते हैं फिर उनको बोलते हैं कि आप अपनी बिल्डिंग गिराओ। तो ये तरीका नहीं है, आपको कहीं ना कहीं बैलेंस के चलना पड़ेगा अगर आपको एक जनता को, एक आवाम को, एक उनकी जो ड्रीम है, एक घर की जो उनकी ड्रीम है वो अगर आपको प्रोवाइड करा। मैं टेक चंदानी जी की बात पे एक और बात ये करना चाहूंगा, बिल्कुल संक्षेप में, वक्त की कमी है सर, प्लीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो मैटर है, इन्होंने SBI के PLR प्लस 2% का रेट रखा है। अब कौन बैंक या प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिल्डर को उस रेट पे फंड देगा? अगर बायर उसको पैसा नहीं देता है तो वो तो 10% का ब्याज देगा या 10.9% का देगा, राइट? बिल्डर को वो पैसा कहां से मिलेगा जो अगर उस पेमेंट नहीं करता? ये सारी बातें, लेकिन बिल्डर को सर पहले बतानी होगी।